और हमनी के वंश के अमानत उन नागमणि हमरा हासिल करे ही पड़ी और उहे हमार मकसद बा। हमरा जाए पड़ी, यहाँ बिना केहू के बतवले निकले पड़ी। अमृता के गोद लेवे के फैसला से हम बहुत ज्यादा खुश बानी। अब अपन संतान ना होखला के दुख हमरा कब्बो ना सताई। सरोज, तोहार चेहरा पर खुशी देखला कितना साल गुजर गई बा पता बा? हमनी के बियाह के समय तोहार चेहरा पर ही खुशी देखले रहनी हम, और अब अमृता के आइला के बाद से तोहार चेहरा पर हमरा उहे हंसी दिखता। कृपा करके हमरा माफ कर दे। हम हमार वजह से राव चेहरा पर हंसी आयल बा ई जान के अच्छा लागल, लेकिन हम राव इच्छा के पूरा ना कर पाई। इतना दिन तक रवा लोग हमरा सहारा देनी, हम ओकरा खातिर बहुत बहुत आभारी बानी, लेकिन हम ऐजा ना रुक पाई। एही से मने मन राव धन्यवाद करत आनी। अचानक ही हमने के जौन चाहतानी हमने के मिलता। काल बस गोद लेवे खातिर शास्त्र पूजा बाकी बा। हाँ सरोज, तू सच कह रहा बाड़ू, पर गोद लेवे खातिर बस शास्त्र पढ़ल काफी नहीं खे, कानून के हिसाब से भी काम करे के पड़ी। यही से हम लॉयर के भी बुला लेने वानी। अच्छा, वो कब आ रहल बाड़े? कोर्ट के काम खत्म करके उस शाम तक आ जाई। रवा बिल्कुल सही कहतानी, कानून के हिसाब से गोद लेला के पूरा काम हो गई, अमृता पूरा तरह से हमनी के बेटी बन जाई। अमृता जैसन बेटी पावे खातिर हम कौन पुण्य कैले होखब। अमृता तो कहीं भी नहीं की दिखत, कहाँ होगी?